ओके लेट्स सी, बिकॉज हम लोग जब भी बात करते हैं एनवायरमेंट में, हमारे पास जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ऑल द सिग्नल्स इन द एनवायरमेंट आर एनालॉग। जितने भी सिग्नल्स होते हैं क्लास आपके पास एनवायरमेंट के अंदर, ऑल द सिग्नल्स आर एनालॉग सिग्नल्स। एंड कंप्यूटर क्लास सिर्फ क्या समझता है? कंप्यूटर आप सबको पता है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द सिग्नल्स दैट आर डिजिटल। कंप्यूटर क्लास सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, उनको समझता है। सो ये एनालॉग सिग्नल क्लास आप लोग फीड करते हैं इनटू अ सेंसर, इनटू अ सेंसर। सेंसर क्लास क्या करता है, आपके पास एक वैल्यू जनरेट करता है। सेंसर क्या करता है आपके पास, यहां पे इट जनरेट्स अ वैल्यू, एंड दिस वैल्यू क्लास इज फेड, दिस वैल्यू क्लास इज फेड इनटू अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड ए डी सी। एडीसी क्लास क्या है आपके पास, यू गाइज नो, आप लोगों बहुत सारों को फुल फॉर्म पता है इसकी, दिस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब इस डिवाइस से जब आपकी वैल्यू बाहर आती है, दैट वैल्यू क्लास इज डिजिटल इन नेचर। दिस मींस दैट वैल्यू इज इन जीरोस एंड वंस। इस वैल्यू को क्लास हम लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं। ये वैल्यू क्लास आपके पास जाती है टुवर्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर, टुवर्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्लास क्या करता है आपके पास, इस वैल्यू को, वैल्यू आती है क्लास माइक्रो प्रोसेसर के पास, एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है आपके पास, कंपेयर करता है इस वैल्यू को, कंपेयर्स द वैल्यू with preset value, or we can sometimes call pre-stored value. इसके साथ compare करता है microprocessor आपका उस value को, और compare करने के बाद, और compare करने के बाद वो decision करता है class के जो भी उसको action take place करना होता है, अगर नहीं करना हो तो नहीं करता, और अगर कोई एक्शन करना होता है टेक प्लेस, तो आपका एक्शन क्लास को क्या करता है, टेक प्लेस करता है। एक्शन से मतलब है क्लास, अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइक स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपकी लाइट्स ऑन करनी है, या आपका कोई प्रेशर सेंसर है, कोई गैस है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज है वो ऑन करना है, तो वो चीजें यहाँ पे एक्शन के अंदर आपके पास आ जाता है। एक्शन टेक प्लेस, और ये जो एक्शन क्लास टेक प्लेस होता है क्लास, दिस इज By actuator। तो आपके पास यहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, आपका एक्चुएटर इन्वॉल्व होता है क्लास, व्हेनेवर यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। एंड इसके बाद क्लास क्या होता है, ये आपकी साइकिल जो है, ये दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये आपकी साइकिल क्लास क्या होती है, दिस साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, दिस साइकिल क्लास इज रिपीटेड continuously। So these are the class steps involved whenever you will be dealing with answers and कोई भी answer का question आ जाए, आप लोग को इस
इन स्टेप्स के ऊपर यू विल बी गेटिंग 4 out of 5. आपको हमेशा क्या मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग क्लास 4 out of 5. सर 5 क्यों नहीं मिलेंगे? तो बेटा 5 marks आपका जो 1 marks होता है वो आपको सेंसर के नेम के ऊपर मिलता है. अब फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की बात हो रही है तो यू नीड टू राइट टेम्परेचर सेंसर. अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यू नीड टू राइट ऑक्सीजन सेंसर. अगर लाइट की बात हो रही है तो यू नीड टू राइट अबाउट द लाइट सेंसर. ये ना हो कि टेम्परेचर की बात हो रही हो और आप प्रेशर सेंसर लिख दें, मोशन की बात हो रही हो और आप गैस सेंसर लिख दें, तो 1 marks क्लास आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो लेट मी रिकॉल ऑल द स्टेप्स वन बाय वन. सबसे पहला स्टेप क्या था आपके पास, एक एनालॉग वैल्यू क्लास क्या की जाती है, इनपुट की जाती है. कहां पे इनपुट की जाती है, सेंसर के अंदर क्लास इनपुट की जाती है, ठीक है. और आपके एनवायरमेंट के अंदर जितने भी सिग्नल्स होते हैं ऑल द सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर. ये एनालॉग वैल्यू क्लास इनपुट की जाती है सेंसर के पास, सेंसर इसे सेंस करता है और एक वैल्यू जनरेट करता है. ये वैल्यू क्लास हम लोग फीड करते हैं एडीसी को और ये क्लास इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इनटू अ डिजिटल वैल्यू, इनटू अ डिजिटल वैल्यू. ये डिजिटल वैल्यू क्लास आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है, ये डिजिटल वैल्यू आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है. ये क्या करता है क्लास, इसको कंपेयर करता है विद अ प्री सेट वैल्यू, प्री स्टोर्ड वैल्यू. और अगर कोई एक्शन टेक प्लेस करना होता है तो क्लास वो एक्शन टेक प्लेस करता है, लाइक स्ट्रीट लाइट ऑन करनी है या आपके पास कोई गेट ओपन करना है, व्हाटएवर क्लास द प्रोसेस इज, ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स. हियर वर वी, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप. अच्छा, ये एक्शन क्लास जब भी प्लेस होता है जब ये आपके वैल्यू के जो आपके पास वैल्यू आई है और जब आप माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर कर रहे हैं तो इट इज बियॉन्ड दैट वैल्यू और इट इज आउटसाइड द रेंज. तो दैट्स व्हाई जब एक्शन आपका टेक प्लेस किया जाता है और ये प्रोसेस क्लास आपके पास क्या होती है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली. क्लास व्हेनेवर क्लास कभी भी आप सेंसर का क्वेश्चन आ जाए तो ये 6 स्टेप आप लोग को कभी भी नहीं बोलने, ये 6 स्टेप आप लोग लिखेंगे, एक सेंसिबल नाम लिखेंगे सेंसर का एंड यू विल बी गेटिंग क्लास फुल मार्क्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. सो दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज आई है. नाउ लेट मी सी व्हाट क्वेश्चंस वी आर हैविंग. जूम आउट कर दिया मैंने बिल्कुल. ऐसा नहीं, अभी फिलहाल हमारे पास फिजिकल क्लास सिस्टम पे नहीं है, लेकिन मैं बीच में एक आध क्लास रखूंगा द सिस्टम पे भी बेटा फिजिकल क्लास, ठीक है. आप लोगों को बता दूंगा, इन्फॉर्म करूंगा. यू हैवंट रिसीव्ड अब्दुल्ला एग्जेम्पशन फॉर्म, बेटा इट्स अ डिले फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल साइड, दिस टाइम द डिले इज फ्रॉम द कैम्ब्रिज साइड. कैम्ब्रिज वाले अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, तो ब्रिटिश काउंसिल को बच्चों ने ईमेल वगैरह भी करी तो दे हैव रिप्लाइड कि वी हैवंट रिसीव्ड द एग्जेम्पशन फॉर्म फ्रॉम द कैम्ब्रिज. हमें जैसे ही कैम्ब्रिज की तरफ से एग्जेम्पशन फॉर्म मिल जाएगा हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे. तो कैम्ब्रिज ने क्लास बताया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो एग्जेम्पशन फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. डिफरेंशिएशन का मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वाज द डिफरेंसेस. सो अब हम लोग क्लास क्या करते हैं, लेट्स सॉल्व द फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चन क्लास फ्रॉम द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के हम लोग कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन आज की क्लास में जल्दी से सॉल्व करते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग थर्सडे वाले दिन क्लास किक ऑफ करेंगे विद आर पेपर 2, ठीक है. थर्सडे वाले दिन क्लास जो हमारी फिजिकल क्लास होगी उसके अंदर हम लोग अपना पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, पेपर 2 के ऊपर काम करेंगे. बिकॉज आई नो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर दे हैवंट गिवन द ऑप्शन फॉर द एग्जेम्पशन टू देयर स्टूडेंट्स एंड दे आर सेइंग के आप पेपर 2 में अपियर हो एंड यू नीड टू अपियर इन द पेपर 2. तो अब हम लोग क्लास पेपर 2 के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, पेपर 2 भी आप लोगों को मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है. एंड जिन बच्चों ने क्लास एग्जेम्पशन ऑप्ट कर लिया तो उन लोग को पता है कि उन लोग के लिए मैंने अपडेटेड टाइम टेबल रिलीज कर दिया है ऑन द ग्रुप. सो फ्रॉम कमिंग संडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द फास्ट ट्रैक. और मैंने आप लोगों को बता दिया फास्ट ट्रैक क्या है मेरा, इट्स अ प्रोग्राम in which I will be performing
अ क्विक रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस. तो वो आप लोग का क्लास पैरेलल के अंदर चलता रहेगा, आप लोग का रिवीजन चलता रहेगा, आप लोग की क्विजेस छोटे छोटे टॉपिक वाइज वंस द टॉपिक इज कंप्लीटेड आई विल बी कंडक्टिंग क्विजेस ऑफ ईच टॉपिक सो दैट यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि आपकी उस टॉपिक की तैयारी कंप्लीट हो गई है या स्टिल देयर इज सम रूम अवेलेबल. ठीक है, और आपके पास फिर आपके पास जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आई विल बी कंडक्टिंग अ ग्रैंड टेस्ट. आई विल बी कंडक्टिंग अ ग्रैंड टेस्ट दैट विल बी ऑनलाइन. और एक बड़ा टेस्ट मैं कंडक्ट करता हूँ और बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है. एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर दोस जो बच्चे टॉप थ्री में आते हैं हमारे पास. खैर, यू ओनली नीड टू फिल द फॉर्म टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. यस बेटा, आपको वो फॉर्म बस भर के आपको सेंड कर देना होगा ब्रिटिश काउंसिल को एंड दे विल बी रिप्लाइंग यू विद इन अ वीक के योर एप्लीकेशन इज बींग एक्सेप्टेड एंड now you are just going to appear in paper one beta. Sure, Abdullah, you can join. अच्छा जी, अब क्लास हम लोग जल्दी से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, फिर यू को क्लास के बाद ये सवाल आना शुरू होगा यहाँ पे. सो चले बैक एंड से स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास. दिस इज ऑन पेज नंबर आपके वन के नोट्स हैं, उसकी बुकलेट है पेज नंबर 297 के ऊपर. ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 297 की बुकलेट के ऊपर आपके पास P1 नोट्स. बुकलेट नेम इज P1 नोट्स. तो क्लास 297 के ऊपर ये क्वेश्चन है आपके पास एंड लेट्स सी. अब ये बता रहे क्लास के सॉफ्टवेयर इज पर बिफोर इट कैन बी यूज्ड. तो क्लास विच सॉफ्टवेयर इज दिस, वी नीड टू परचेज दैट सॉफ्टवेयर. ऑफ कोर्स कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्लास आर द सॉफ्टवेयर दैट आर नीडेड. कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्लास एक्चुअली आपके पास जो आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वहां से ये क्वेश्चन उठाया था, आप लोग के वेरिएंट का नहीं है. तो वहां पे क्लास कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी उस बोर्ड के अंदर पढ़ाए जाते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं. लेकिन कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यू नीड टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यू कैन यूज इट. ठीक है, सोर्स कोड क्लास कम्स विद दैट सॉफ्टवेयर दैट इज ओपन सोर्स या आपके पास दिस इज योर फ्री सॉफ्टवेयर. तो फ्री सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं बेटा. दिस इज योर फ्री सॉफ्टवेयर. आगे बता रहे क्लास ये आपके पास सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड फ्री ऑन ट्रायल बेसिस. सो ऑफ कोर्स दैट इज शेयरवेयर. द सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड, तो यू कैन ओनली मॉडिफाई द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बाकी कोई सॉफ्टवेयर आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, कोई
क्वेश्चन नंबर देखो आगे पीछे होगा, यही कहीं होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अभी बता रहे क्लास के बॉबी इज अ सीनियर प्रोग्रामर एट सॉफ्टवेयर हाउस विच प्रोवाइड्स इंट्रूडर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। ही ऑल्सो रन्स ओन सॉफ्टवेयर कंपनी विच डेवलप्स एंड सेल्स वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब आपको बताने क्लास के जो बॉबी की एक्टिविटीज हैं ये एथिकल है या अनएथिकल है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दोज 8 पॉइंट्स। आपको अपने दिमाग में वो 8 पॉइंट्स रखने होंगे व्हेन वी विल बी डिसाइडिंग कि ये एक एक्टिविटी एक एथिकल है या अनएथिकल है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, आप लोग मुझे मैक्स चैट के ऊपर लिख के बताएगा, आई विल बी रियली हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेस, और मुझे रीजन भी बताएगा कि व्हाई दिस इज एथिकल और व्हाई दिस इज अनएथिकल। ये बता रहे क्लास गिव्स अवे पासवर्ड यूज्ड इन इंट्रूडर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो क्लास जो इंट्रूडर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में पासवर्ड यूज किया गया था तो वो उसको उसने क्या कर दिया, गिव अवे कर दिया। सो दिस इज एथिकल और अनएथिकल। तो अशर ने हमें बता दिया, परफेक्ट, एसन ने बता दिया, अरेल ने बता दिया, जैन ने बता दिया, सामिया ने बता दिया, बिकॉज दैट इज समथिंग अनएथिकल। परफेक्ट, आसान था बेटा ये वाला, अगला पूछता हूं अभी, वेट। नेक्स्ट बता रहे क्लास यूजेस सोर्स कोड डेवलप्ड एट द सॉफ्टवेयर हाउस फॉर द सॉफ्टवेयर ही डेवलप्स फॉर हिज ओन कंपनी। तो क्लास जो सोर्स कोड आपके पास, चलें बिल्कुल अच्छा अब्दुल्ला बेटा, एथिकल क्यों है, जरा मुझे रीजन बताओ। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे सोर्स कोड एक रखा हुआ है, उस कंपनी का अपना सोर्स कोड है और वो अपनी कंपनी में उस सोर्स कोड को यूज कर रहे हैं, दैट इज टोटली अनएथिकल, दैट इज टोटली अनएथिकल बेटा, ठीक है। अच्छा उसकी कंपनी है तो भाई वो दूसरी कंपनी में जो काम कर रहे ना, जो उस कंपनी का डाटा है वो अपनी कंपनी में तो यूज नहीं कर सकता ना बेटा। ये आपका कौन सा लॉ का ये ऑब्सोलीट कर रहा है, ये अगर मैं आपको शो करूं, एट पॉइंट कहां डाले थे आप लोगों को देखो, सिक्योरिटी पता नहीं, खैर तो वो 8 पॉइंट्स के अंदर क्लास भाई ऑब्सोलीट कर रहे हैं 1 पॉइंट को आपके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अनएथिकल, बुरी बात है भाई बहुत। इंसिस्ट स्टाफ टू वर्क टू डेडलाइंस, क्लास ये क्या है, एथिकल या अनएथिकल है? एथिकल 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 एथिकल, मोस्टली क्लास बच्चों ने एथिकल बताया। अच्छा लास्ट क्लास, लास्ट ईयर क्लास क्या हुआ, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन अगेन आपके पास अभी तक ओल्ड विल में इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं आए, ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं और से पिक किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो इस साल 2021 के अंदर आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक के जब रिवीजन करवाऊंगा तो उसके अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड है फॉर दिस सेशन, ठीक है। अब क्लास लास्ट ईयर क्या हुआ, एक बच्चे ने बोला सर ये अनएथिकल है, एंड आई वॉज पूरी हमारी फुल फ्लैश क्लास बैठी हुई थी, एंड ही वॉज लाइक के वो बच्चा अड़ गया, बोले सर ये तो अनएथिकल है। सो वैसे मैं स्पीड में जा रहा था, मैंने फिर रुका, मैंने बोला कि ओके बताओ बेटा क्यों अनएथिकल है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो उसने बोला क्लास के ही टोल्ड कि सर वो स्टाफ को इंसिस्ट कर रहा है कि डेडलाइन के ऊपर काम करो, तो उसको ये बोलना चाहिए कि डेडलाइन से पहले काम कर लो, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने स्टाफ को इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं तुम्हें डेडलाइन के ऊपर ही काम करना है और उससे पहले तुम्हें काम नहीं करना। तो मैं बड़ा हंसा उस बच्चे की बात के ऊपर, ऑल्दो एग्जामिनर का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने क्लास इस सेंटेंस का गलत परसेप्शन लिया, ठीक है। सो दैट वाज इट, आगे बढ़ते हैं क्लास। ये बोला क्लास टर्न्स डाउन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। तो क्लास अगेन unethical because आपको लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, वी डिस्कस
discuss that. Write and say software that reads confidential data from client's computer, of course, unethical. Fake test results. So class, again, unethical. Has software applications developed overseas for sale in his own company. So class, ab ye aapke paas ek ethical hai, because dekhiye, aap logo ke paas Pakistan mein bhi bahut sare log is tarah ka kaam karte hain. Like they bought the products from AliExpress ya Amazon se wo log products purchase karte hain. And they sell those products in the local market. So this is fine. कोई इसके अंदर अनएथिकल बात नहीं है. तो दिस इज एथिकल. अगर आप अपनी वर्किंग जो है वो ओवरसीज से करवा रहे हैं तो दैट इज टोटली एथिकल. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन. अच्छा जी, तो क्या ये एक सवाल आ गया था आपके पास इन 2018 का सवाल है ये, अक्टूबर नवंबर. ये आप लोग के पास भी क्वेश्चन है. एक्सप्लेन how information stored on company's website is requested by the customer and sent to the customer's computer and displayed on screen. So class, ye aapke paas 7 marks ka aapke examiner ne sawal de diya tha aapko. चीजें कहाँ चली गई आप लोगों, मैंने कहीं पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी. ओके, हियर यू गो. तो यहां पे कल आपको ये पूरी प्रोसेस क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है. ओके, दीज आर द रूल्स. तो क्या आप लोगों यहां पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर यू नीड टू आप लोगों ये पूरी प्रोसेस क्लास क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है. सबसे पहले आपने द फर्स्ट टास्क विल बी एंटर द यूआरएल. सेकंड टास्क, डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, रिटर्न्स द कोरस्पोंडिंग आईपी. थर्ड, रिक्वेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर आईपी. फोर्थ, आपका सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और आपका डाटा सेंड कर देगा. फिफ्थ स्टेप वॉस कि आपका वेब ब्राउजर जो है वो उस डेटा को इंटरप्रेट करेगा यूजिंग द HTML एंड डिस्प्ले कर देगा ऑन स्क्रीन. तो क्या ये आप लोग को 5 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने और फॉर दिस क्वेश्चन. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन एक दफा आ गया था. तो 7 मार्क्स और आपका एग्जामिनर क्लास यहाँ पे कुछ ऐसी बातें कर रहे कि आपने अपने आंसर के अंदर ये चीजों को इन चीजों को इंक्लूड करना था. और हम लोगों ने क्या, मैंने आप लोगों को जो वहां पे प्रोसेस बताया, दैट इज द सेम प्रोसेस दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहां पे. एक और सवाल है क्लास, थ्योरी का क्वेश्चन है. यू गाइस कैन इजीली राइट, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय द SSL प्रोटोकॉल. So, अगर मैं आंसर करता तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में किस वर्डिंग को आप लोग को प्रीफर करना है. तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन. सिक्योर, used to, secure transmission over internet, authenticate
सर्वर एंड ऑल्सो sends and receive data using encryption. ठीक है, तो आपने क्लास यहाँ पे बता दिया secure socket layer, आपने पूरा नाम बता दिया, आपने यहाँ पे बता दिया कि आपको secure transmission provide करता है, मैं keywords highlight कर रहा हूँ, authenticate करता है आपके server को एंड फर्दर आपका सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा यूजिंग एनक्रिप्शन. तो दैट्स इट क्लास, बड़ा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने एसएसएल प्रोटोकॉल का. नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट एक्सप्लेन फायरवॉल. अब देखिए आप सबको फायरवॉल आता है, पता है, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट स्टफ, दिस इज इट. या सिंपली सिट्स बिटवीन system and internet and provide filtering of IPs, monitors incoming and outgoing data and also it can be software or hardware based. ठीक है, तो क्लास इट इज हाउ आप लोगों को मैं ये आंसरिंग, ऑल दो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है, प्रोवाइड की हुई, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह लिखना है वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं. फर्दर क्लास यहाँ पे बता रहे हैं, कंपनी स्टोर्स पर्सनल डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स ऑन कंप्यूटर बिहाइंड फायरवॉल, एक्सप्लेन विद रीजंस व्हाट एल्स कंपनी शुड डू टू कीप द डेटा सेव. सो फायरवॉल क्लास कर ले, बैकअप कर ले, मल्टीपल क्लास रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगा दे, यूजर नेम पासवर्ड लगा दे, आप डोर लॉक कर दे, इस तरह के क्लास आप रीजन यहाँ पे बता सकते हैं टू कीप द एनक्रिप्शन कर दे डाटा के ऊपर, टू कीप द डाटा सिक्योर. एक क्लास बड़ा मजेदार सा सवाल है आपके पास, ये मैचिंग के सवाल तो वैसे ही अच्छे होते हैं, तो लेट्स मैच ओवर हियर. प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसमिशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट्स allowing secure transmission of private data. नहीं समझ में आ रहा, क्लास छोड़ दें, छोड़ दिया मैंने. Computer that acts as an intermediary between the web browser and the internet. So this will be class, this will be your proxy server. आगे बता रहे क्लास के legitimate looking email that gathers information. So class email ki baat ho rahi hai, of course it will be phishing. Uses rules and criteria set by the user to help to protect a network or system from unauthorized access. Of course firewall. Malicious code that redirects you towards a fake website. Of course, fake website. Examiner is talking about farming. Scrabbles data for secure transmission. Scrabbles data for secure transmission encryption. And at last class, this will be SSL. ठीक है, तो 5 marks. अगर कोई बीच में step आप लोगों को नहीं आ रहा होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको स्किप कर दिया गए, फिर बाद में उसको देख लिया करने.
अच्छा ये क्लास क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज क्लास, वो बता रहे कि कीज के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स बतानी है कि विच स्टेटमेंट्स आर राइट एंड विच स्टेटमेंट्स क्लास आर रॉन्ग अबाउट द कीज। सो ये बता रहे कि दे फॉर्म अ स्पाइवेयर फॉर फॉल्स, दे आर यूज ओनली इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के क्लास यूज की जाती है फॉल्स। दे यूज टू ट्रैक ब्राउजर यूज, ऑफ कोर्स दे डू, दे कैन एज वायरस क्लास फॉल्स। ठीक है, तो क्लास दीज आर द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट द कुकीज। क्लास मैचिंग के सवाल है, आसान है, यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। हियर यू गो, एन अमेजिंग क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सवाल है हमारे पास ये वाला। तो लेट्स सी, तो ये बता रहे कि एसएसएल के स्टेप्स आपको यहां पे रेक्टिफाई करने, यू नीड टू वेरीफाई द स्टेप्स ऑफ द एसएसएल। चलें जरा चैप्टर में चलें, क्लास में चलें, अपनी क्या पढ़ा था हम लोगों ने। स्टेप्स, सबसे पहले क्या होता है, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, फिर वेब ब्राउजर बोलता है सर्टिफिकेट शो करो, फिर सर्टिफिकेट सेंड करता है, वेब ब्राउजर वेरीफाई करता है सर्टिफिकेट, और फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और फिर आपका सिक्योर ट्रांसमिशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। आई टोल्ड यू क्लास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, 8 स्टेप्स होते हैं आपके पास इन्वॉल्व, और दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। सो लेट्स सी, मैं यहां पर आया वापस से, इसने क्लास पहला स्टेप बता दिया। The first step is web browser attempts to connect to a website which is secured by SSL. Now let's see. आगे 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 second step. I think this will be our second step. वेब ब्राउजर क्लास रिक्वेस्ट वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। वेब सर्वर क्लास क्या करेगा, कॉपी भेज देगा अपने एसएसएल सर्टिफिकेट की। वेब ब्राउजर क्लास को क्या करेगा, फिर चेक करेगा, वेब ब्राउजर चेक एसएसएल सर्टिफिकेट दैट इट इज ट्रस्टवर्दी। फोर्थ स्टेप, और फिर उसके बाद क्लास क्या होगा आपके पास, वेब सर्वर देन सेंड बैक सम एक्नॉलेजमेंट टू अलाउ एसएसएल एनक्रिप्शन ऑफ द डेटा। फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप क्लास, एनक्रिप्टेड डेटा विल बी शेयर्ड बिटवीन वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। सो दीस आर द क्लास स्टेप्स। आपने यहां पे नंबरिंग की, नंबरिंग कैसे करी आप लोगों ने क्लास, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद होगा तो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय क्लास, यहां पे सवाल कर रहा है एसएसएल, यू कैन इजीली राइट सिक्योर सॉकेट लेयर, दैट्स इट। अच्छा जी, एक रैंडम सा क्लास सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। सोर्स कोड कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड, फ्री सॉफ्टवेयर, ऑल फीचर्स ऑफ द फुल वर्जन, ऑल फीचर्स ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर नॉट मेड अवेलेबल, दे नीड टू बी परचेस्ड शेयरवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर क्लास इज सब्जेक्ट टू ऑल कॉपीराइट्स, फ्रीवेयर क्लास। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द मॉडिफाइड वर्जन क्लास, दिस इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड वी आर डन। तो इस टाइप के भी क्लास आसान आसान सवाल आते हैं आप लोग को, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट करेक्ट रखने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट रखना है, एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी क्वाइट इजी इन द एग्जामिनेशन। हम लोग क्लास यहाँ पे अब होल्ड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन मैं अब आप लोग को
130 जो पेपर वन वाले बच्चे हैं, जो एग्जामिशन वाले बच्चे हैं, तो संडे वाले दिन मैं आप लोग को 130 पे स्टार्ट करवाऊंगा द फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक क्लास मैंने आप लोग को बता दिया है क्या चीज है, इट्स अ क्विक रिविजन ऑफ द होल सिलेबस। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोग को मूव करवाऊंगा, हर क्लास के अंदर मैं आप लोग को एक टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, एंड उस टॉपिक के इस साल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को क्लास क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोग की क्वेरीज भी दूर हो जाएंगी, आप लोग के कोई क्वेश्चन हैं तो वो भी हम लोग सब क्या करेंगे, क्लियर अप कर लेंगे। एंड सिमिलरली इसको हम लोग क्लास फिर पहले नंबर सिस्टम, देन डेटा फॉर्मेट, देन इंटरनेट एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारा। हर टॉपिक का हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे एंड देन वी विल बी परफॉर्मिंग द पास्ट पेपर, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड पेपर टू की क्लास अब हम लोग करेंगे ऑन कमिंग थर्सडे बेटा, एंड आई विल बी किकिंग ऑफ विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। और ये डेटाबेस का चैप्टर मैं स्टार्ट करवाऊंगा आप लोग को थर्सडे को, जिन बच्चों ने एग्जेम्पशन ऑफ नहीं करी है, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड, आज को क्लास यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे।